नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर अक्षय कदम और आप सबका फिर से एक बार मेरे यूट्यूब चैनल में तहे दिल से स्वागत है। देखिए, आज का हमारा टॉपिक है कि दांत के ऊपर जो धब्बे पड़ते हैं, चाहे वो पीले हो या काले हो, तो वो जो धब्बे पड़ते हैं वो क्यों पड़ते हैं, ये आज हम पहले देखेंगे और उसके बाद वो साफ़ करने के लिए या फिर क्लियर करने के लिए उसका क्या ट्रीटमेंट सोल्यूशन है वो भी देखेंगे और उसी के साथ साथ उसके लिए हम कुछ घरेलू उपाय भी जानेंगे, जैसे हम होम रेमेडीज़ बोलते हैं, उसकी सहायता से आपके जो काले या पीले डब्बे हैं वो आप पूरी तरह साफ कर सकते हो और एक ब्यूटीफुल स्माइल विथ ब्यूटीफुल टूथ पा सकते हो। तो चलिए आज की वीडियो की करती है शुरुआत। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हमारे दांतों के ऊपर जो पीले धब्बे पड़ते हैं या काले धब्बे पड़ते हैं वो क्यों पड़ते हैं। तो देखिए, हमारे दांतों के ऊपर जो सबसे ऊपरी लेयर या फिर जिसे हम परत कहते हैं वो होती है इनेमल। हमारा दांतों का जो वाइट दिखना है या फिर जो सफ़ेद दिखना है, ये उसको रिस्पॉन्सिबल जो रहता है वो रहता है इनेमल। इनेमल में अगर आपका कैल्शियम लेवल अच्छा है तो आपके दांत सफ़ेद दिखेंगे या फिर अच्छी तरह से वाइट दिखेंगे। तो हमारे दांत सफ़ेद दिखने का डिपेंड किस पे रहता है, वो रहता है इनेमल में कितना कैल्शियम है उसके ऊपर आपके दांत कैसे दिखेंगे, ये डिपेंड करता है। और इसका दूसरा भी एक रीज़न है, वो है कि अगर आप एक्सटर्नली, मतलब आप बाहर से क्या क्या खाते हो, किन किन चीज़ों का सेवन करते हो, उसके ऊपर भी आपके दांतों का कलर डिपेंड करता है। मान लीजिए आप बहुत ही पान मसाला, बीड़ी, गुटखा, इन सारी चीज़ों का सेवन करते हो तो फिर आपके दांतों को पीलापन आ जाएगा, साथ ही साथ उसमें काले धब्बे भी बनना शुरू हो जाएंगे। पहले हम देखेंगे दांत पीले क्यों होते हैं। जब भी आप कोई भी खाना खाते हो तो उसके ऊपर हमारे मुँह में लाल रहती है, जिसे हम सलाइवा बोलते हैं, तो उसमें जो भी बैक्टीरियाज रहते हैं वो उसके साथ कंपोजिशन करके या फिर मिक्स करके हमारी पाचक क्रिया को बढ़ाते हैं। लेकिन उसी के साथ अगर आपने डेली ब्रश नहीं किया तो वो बैक्टीरिया आपके दांतों की जो इनेमल लेयर है उसमें जमा होते हैं और उसके साथ साथ एक पीलापन, एक परत तैयार करने का काम भी करते हैं। अगर आप डेली ब्रश करके उस पीलेपन या फिर उस परत को साफ करते हो तो फिर आपके मुंह में प्लाक की जमा नहीं होगी, आपका मुंह कंटिन्यू साफ़ होता जाएगा और प्लाक नहीं जमा होगा और उसके साथ साथ आपका जो दांतों का कलर है वो मेंटेन रहेगा। लेकिन अगर आपके मुंह में गंदगी फंस जाती है या फिर बैक्टीरियल के कारण किसी और रीज़न से आपके दांतों की साफ़ सफाई अच्छी तरीके से नहीं होती है तो फिर वहाँ पर प्लाक जमना शुरू हो जाता है। ठीक है, जो पीले कलर की लेयर रहती है उसे हम प्लाक बोलते हैं, लेकिन वही अगर आगे चल के उसकी तरफ आपने ध्यान नहीं दिया तो फिर वो काले धब्बों में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे हम टार्टर कहते हैं आम भाषा में। तो आज यही टार्टर या फिर प्लाक को कैसे साफ किया जा सकता है, इसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आप फ्लोराइड युक्त टूथपेस्ट का यूज़ कीजिए, कोई भी टूथपेस्ट यूज़ कीजिए, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसमें फ्लोराइड का कंटेंट चाहिए। इसी के साथ साथ दूसरी बात यह है कि आपको इंटरडेंटल ब्रशेस यूज़ करना चाहिए या फिर आपको डेली फ्लॉसिंग करना चाहिए। अभी फ्लॉस मतलब क्या रहता है, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है, फिर भी मैं एक शॉर्ट में बता देता हूँ। देखिए, ये ऐसा एक फ्लॉस का पूरा एक बॉक्स आता है, इसमें लगभग 100 फ्लॉस रहते हैं। देखिए, फ्लॉस मतलब क्या, इसमें ये ऐसे फ्लॉस रहते हैं जो आपको यहाँ पर एक थ्रेड दिया रहता है जो दो दांतों के बीच में, इसको इंसर्ट करके इसको आप दो दांतों के बीच की पूरी तरह से क्लीनिंग कर सकते हो। या तो आप ये फ्लॉस ले सकते हो या फिर एक दूसरा भी आता है जो थ्रेड वाला फ्लॉस, फिर जिसे थ्रेडेड फ्लॉस बोलते हैं, जो दो हाथों के जो उंगलियां है उसमें आपको एक धागा फंसाना रहता है और उसकी सहायता से आपको दो दांतों के बीच की गंदगी क्लीन करनी रहती है। इसी के साथ साथ इंटरडेंटल ब्रशेस भी आते हैं, जिसे हम क्रोक्सा ब्रशेस भी बोलते हैं। किसी भी डेंटिस्ट के पास जाओगे, उनको आपका ये प्रॉब्लम बताओगे तो वो आपको रिकमेंड करेंगे ही कि ये यूज़ करने के लिए। तीसरा और सबसे बेहतरीन इसका इलाज ये है कि अगर आप पान मसाला, गुटखा, तंबाकू, बीड़ी, ये सब चीज़ें खाते हो तो ये तुरंत बंद कर दीजिए। इसके कारण आपका जो प्लाक है वो पीले धब्बों से काले धब्बों में बहुत ज़्यादा जल्दी कन्वर्ट हो जाता है और अगर ये जो काले धब्बे हैं ये फिर किसी भी चीज़ से निकलते नहीं है। इसके लिए, मतलब घरेलू उपचारों से ये नहीं निकलते, इसके लिए आपको डेंटिस्ट के पास ही जाना पड़ेगा और वो जब स्केलिंग करेंगे तभी ही मशीन से वो पूरा क्लीन हो जाएगा। तो मैंने तीन बेसिक चीज़ें बताई, अब इसके बाद हम देखेंगे कुछ घरेलू उपाय। वीडियो में ये सब बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर ये प्राइमरी स्टेज में है, मान लीजिए आपके दांत हल्के से पीले हैं, ज़्यादा पीले नहीं है, या फिर हल्के से काले हैं, ज़्यादा काले नहीं है, तो आप
इन सारी होम रेमेडीज़ का यूज़ करके आपके दांतों को सफ़ेद कर सकते हो। लेकिन आपके दांत बहुत ही ज़्यादा काले हैं, आपके दांतों के ऊपर बहुत ज़्यादा टार्टर है और वो आसानी से आपको ब्रश ही करने से भी नहीं निकलता, तो फिर आपको नियर डेंटिस्ट के पास जाके एक बार क्लीन करवाना चाहिए। और उसके बाद ये जो हो, मैं आपको ये होम रेमेडीज़ बताने जा रहा हूँ, इसका आप यूज़ कर सकते हो। कि पहला इसका जो होम रेमेडी ये है कि आप ग्लिसरीन और एलोवेरा जेल का यूज़ कर सकते हो। तो क्या करोगे, आप थोड़ा सा ग्लिसरीन लोगे, उसमें से एलोवेरा का जो भी अंदर का एक्सट्रैक्ट या फिर पल्प रहेगा उसको मिक्स करोगे, उसमें 2-3 बूंद नींबू का ऐड करोगे और उसका पेस्ट बना के आपके दांतों के ऊपर उसको आप अप्लाई करोगे। दिन में 2 बार आपको अप्लाई करना है और अप्लाई करने के बाद 2 से 3 मिनट उसको रख के फिर अच्छी तरह से साफ़ पानी से कुल्ली करनी है। अगर आप ये होम रेमेडीज़ 8 से 10 दिन के लिए यूज़ करोगे तो आपके दांतों में जो भी पीलापन है या फिर जो भी कालापन है वो भी अच्छी तरह से फेड हो जाएगा और आपके दांत सफ़ेद होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, इसका दूसरा जो होम रेमेडी है वो है, आपके पास जो भी संतरा रहेगा उसका जो छिलका रहता है उसको आप दांत के ऊपर अच्छी तरह से रब कर सकते हो, घिस सकते हो। उससे भी आपके दांतों का जो इनेमल है वो क्लीन होने में आपको हेल्प हो जाएगी। अगर आप संतरा खाओगे तो भी चलेगा, क्योंकि वो विटामिन सी से रिच रहता है और जितना आपके बॉडी में विटामिन सी जाएगा आपके पूरे बॉडी के लिए भी अच्छा है, आपकी इम्यूनिटी भी बूस्ट करेगा और आपका जो ओरल हेल्थ है वो भी काफ़ी अच्छा रहेगा। तीसरा जो होम रेमेडी है, इसमें आप 1 चम्मच बेकिंग सोडा ले सकते हो और उसमें 3 से 4 बूंद नींबू डाल सकते हो, नींबू का रस की बूंदें ले सकते हो और उसके बाद उसकी पेस्ट बना के वो दांतों के ऊपर अप्लाई कर सकते हो। इसको आप 8 से 10 मिनट रखना है और उसके बाद अच्छे से पानी से आपको कुल्ला करना है। ये करने के बाद भी आपके दांतों में जो भी पीलापन है या फिर कालापन है वो भी अच्छी तरीके से कम होता हुआ आपको दिखेगा। तो होम रेमेडी आपको 7 से 8 दिन यूज़ करनी है। तो चौथा होम रेमेडी आता है कि आप स्ट्रॉबेरी का यूज़ कर सकते हो। आपको क्या करना है, स्ट्रॉबेरी का एक्स्ट्रैक्ट निकालना है, मतलब एक स्ट्रॉबेरी लेके उसको क्रश करना है, उसमें थोड़ा सा नमक ऐड करना है और फिर उसका भी पेस्ट बना के आपके दांतों के ऊपर आप लगा सकते हो। 5 से 6 मिनट के बाद आपको वो वॉश करना है और फिर आपको दांतों में हल्के हाथों से थोड़ा सा कोकोनट ऑयल लेके उसमें मसाज करना है, तो आप महसूस करोगे कि 7 से 8 दिन के बाद भी आपके दांतों में अच्छी तरीके से चमक आ रही है, क्योंकि स्ट्रॉबेरी में वो विटामिन सी भी रहता है और उसी के साथ साथ उसमें मैलिक एसिड भी रहता है, आपका जो दांतों का हेल्थ है वो बूस्ट करने में वो काफ़ी हेल्प करता है। उसके बाद जो आखिरी होम रेमेडी है वो है तुलसी प्लस क्लो ऑयल या फिर जिसे हम लौंग का तेल बोलते हैं, इन दोनों का भी मिक्स करना है। तुलसी के 2 से 3 पत्ते लेके उसको थोड़ा सा क्रश करना है और फिर उसमें लौंग का तेल या फिर जिसे हम क्लो ऑयल जो कि मार्केट में मिल जाता है पेस्ट बना के दांतों के ऊपर अप्लाई करना है। 5 से 10 मिनट बाद कुल्ला करके उसे साफ़ करना है और फिर 5 से 7 दिन के बाद आपको आपके दांतों का जो भी पीलापन है वो कम होता हुआ नज़र आ जाएगा। सो ये कुछ होम रेमेडीज़ थी। फिर से एक बार बताता हूँ कि अगर आप ये स्टार्टिंग फेज़ में करोगे तो आपको ये असरदार रिजल्ट देंगे, लेकिन अगर आपके दांतों पे बहुत ज़्यादा स्टिफ काले धब्बे हैं, वो ब्रश से या फिर किसी भी चीज़ से नहीं निकालते, तो फिर आपको एक बार डेंटिस्ट की सलाह लेना ज़रूरी है। आई होप आपको एक छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक करके शेयर करना ना भूलिए। तो फिर एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक टेक केयर, जय हिंद एंड बाय बाय।